तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये बेबी पैंट एंड जैकेट कॉम्बो फॉर 3 to 4 इयर्स। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोस में, मतलब इस वीडियो में हम बनाएंगे इसका जैकेट एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेरा बेबी पैंट पर। चलिए इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। चाहिए हमें 2 रेक्टेंगुलर फैब्रिक जिसकी विड्थ हम लेंगे 12.5 इंचेस एंड लेंथ लेंगे 14.5 इंचेस। अभी हम दोनों फैब्रिक को सेपरेटली डबल फोल्ड कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर 1 इंच के गैप से दोनों को प्लेस करेंगे। इसको ध्यान से देखिए गाइस। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 4 इंचेस, नीचे आर्म होल लेंगे 5 इंचेस। अभी हम आर्म होल को कर्व्ड शेप दे देंगे। यहाँ पर हम वेस्ट ले लेंगे 7 इंचेस, नीचे भी हमें वेस्ट 7 इंच ही लेनी है गाइस, बिकॉज़ इट्स फॉर बेबी। अभी जो भी हमारी मार्किंग है उसको हम कट कर देंगे। लिए यहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 इंच मार्क करेंगे, तो दोनों को राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर 2 इंच लेंगे, देन 3 इंच लेंगे, टू इंच, 5.5 इंच लेंगे यहां पर, अभी मार्किंग को हम कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट पे जो आर्म होल है उसको हम डीपर कट देंगे 2 इंचेस। गाइज अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, एंड ड्रेस कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर से बताएं। यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @groove512, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब गाइस हमें 3 पीसेस मिल गए हैं, इनके हमें सिमिलर 3 पीसेस कट करने हैं अस्तर के लिए। ये 1 हो चुका है, बाकी के 2 भी हम सेम तरीके से कर लेंगे। अभी हम पॉकेट को अटैच करेंगे जिसकी लेंथ लेंगे 6.5 इंचेस एंड विड्थ लेंगे 4 इंचेस। पॉकेट की बॉर्डर को चारों ओर से स्टिच कर देंगे। इफ यू लाइक माय वीडियोस गाइस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @groove512, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम एक मेन फैब्रिक और एक अस्तर फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखकर चारों ओर से स्टिच कर देंगे। एक जगह कहीं भी गाइस 3 इंच का गैप रखिए उसको सीधे साइड पलटने के लिए। एंड गाइस अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्रेस पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना के जरूर से दूंगी।
अभी हम इसको सीधे साइड से पलट देंगे। एंड गाइस, ड्रेस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। बाकी के टू पीसेस के साथ भी हमें सेम करना है, उसको भी फिनिश कर लेंगे। अभी हम, जैसे आप देख सकते हैं, हम जिस माना में मैंने प्लेस किया है, आप उन सारे पीसेस को एक के ऊपर एक रख लीजिए। अभी सभी की साइड बॉडी और शोल्डर स्टिच करेंगे हम। तो यहाँ पर गाइज, आप अपने पसंद का कोई भी बटन्स यूज कर सकते हैं फ्रंट पर। एंड गाइज, वी आर डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू डिज़ाइन।